तो बेन 10 मिस्ट्री के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी बेन 10 मिस्ट्री ये है कि बेन 10 जनरेटर एक्स हीरोज यूनाइटेड मूवी के अंदर अल्टीमेट एलियन सीरीज वाला बेन 10 तो दिखाया गया, लेकिन कोई भी अल्टीमेट एलियन उसमें हमें देखने को नहीं मिला। मतलब कि बेन ने उस मूवी के अंदर किसी भी अल्टीमेट एलियन को यूज क्यों नहीं किया? और इसी सवाल का जवाब आज हम जानने वाले हैं अपनी कुछ थ्योरीज की मदद से, क्योंकि मुझे इस सवाल का कोई भी ऑफिशियल आंसर नहीं मिला, तो अभी के लिए हमें थ्योरीज से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। चलो इस वीडियो का लाइक एम रख लेते हैं 5000 लाइक्स और कॉमेंट्स का एम रख लेते हैं 500 कॉमेंट्स। और हाँ भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम लोग 90K के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करने के साथ घंटा भी बजा देना। तो चलो अब और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं अपनी सबसे पहली थ्योरी के साथ। तो हमारी जो सबसे पहली वाली थ्योरी है वो ये कहती है कि बेन 10 जनरेटर एक्स हीरोज यूनाइटेड मूवी के अंदर बेन ने अल्टीमेट एलियंस का यूज इसीलिए नहीं किया क्योंकि बेन वहां पर अल्टीमेट एलियंस का यूज करने से डर रहा था। और ये इसीलिए था क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से ये जो भी बेन 10 और जनरेटर एक्स के क्रॉसओवर का इवेंट था, ये बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में दिखाए गए एक एपिसोड अल्टीमेट सेक्रीफाइस के इवेंट्स के बाद हुआ था। और मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि अल्टीमेट सेक्रीफाइस एपिसोड में हुआ कुछ ऐसा था कि अल्टीमेट्रिक्स के एक ग्लिच के चलते बेन के उस वक्त तक के जितने भी अल्टीमेट एलियंस थे उन सभी ने खुद की पर्सनालिटी को डेवलप कर लिया था, या यूं कहूं कि वो सभी सेंटिएंट हो गए थे। और उसके बाद तो बेन को काफी सारी तकलीफें झेलनी पड़ी, लेकिन बेन को आखिर में जाकर अपना सेक्रीफाइस तक देना पड़ा था। पर वो तो अजमत थे जिन्होंने टाइम पर आकर बेन की जान बचा ली और वहाँ पे अल्टीमेट्रिक्स के उस ग्लिच को भी फिक्स कर दिया और बोले कि अब से तुम जिस भी अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होगे वो सिर्फ तुम्हारे रिफ्लेक्शंस होंगे। और वैसे तो बेन पहले से ही अल्टीमेट एलियन से डरता था, और इस घटना के बाद तो बेन का ये जो डर था ये और भी ज्यादा पक्का हो गया। और शायद इसलिए बेन ने इस क्रॉसओवर के अंदर किसी भी अल्टीमेट एलियन का यूज नहीं किया। लेकिन जब बेन अपने यूनिवर्स में वापस गया तो बेन ने फिर से धीरे धीरे अल्टीमेट एलियंस का यूज करना शुरू किया, और उसमें से भी बेन ने सिर्फ दो ही नए अल्टीमेट एलियंस का इस्तेमाल किया है, जो कि है अल्टीमेट वाइल्ड मट और अल्टीमेट वे बिग। तो ये तो थी हमारी पहली थियरी कि क्यों बेन इस वाली मूवी के अंदर अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन अब जो हमारी दूसरी थियोरी है वो ये कहती है कि बेन अल्टीमेट एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म होना तो चाहता था लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स में उतना पावर ही नहीं बचा था। अब पावर क्यों नहीं बचा ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो देखो, उस मूवी का जो मेन विलन था अल्फा, उसने जब अल्टीमेट्रिक्स को कॉपी किया और बेन के अल्टीमेट्रिक्स की एनर्जी को भी ड्रेन कर दिया था, जिसके बाद भी बेन ट्रांसफॉर्म हो पा रहा था, लेकिन मुश्किल से सिर्फ एक दो मिनट के लिए। और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि बेन नॉर्मली किसी भी एलियन में 10 मिनट तक ट्रांसफॉर्म रह सकता है, मतलब कि जो टाइम लिमिट होती है वो 10 मिनट की होती है। और अगर बेन अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो ये जो टाइम लिमिट है वो आधी हो जाएगी, मतलब अब बेन सिर्फ 5 मिनट के लिए ही एलियन बना रह सकता है। लेकिन हमारे वाले केस में तो बेन सिर्फ 1-2 मिनट तक ही ट्रांसफॉर्म रह सकता है, तो सोचो अल्टीमेट एलियंस के लिए ये ड्यूरेशन तो और भी ज्यादा कम हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। मतलब बेन अल्टीमेट एलियन में मुश्किल से 1 मिनट तक के लिए ही ट्रांसफॉर्म रह सकता है, और भला इतने से समय में बेन अल्फा का क्या ही बिगाड़ लेता। इसीलिए ये भी एक रीजन हो सकता है कि क्यों बेन ने अल्फा के अगेंस्ट अल्टीमेट एलियंस को यूज नहीं किया। लेकिन मेरे पास एक और थ्योरी भी है जो कि इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिफाई करती है कि क्यों बेन ने सिर्फ अल्फा के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि इस पूरी ही मूवी में अल्टीमेट एलियंस का यूज क्यों नहीं किया। तो जब बेन और रेक्स मूवी के शुरुआत में आपस में लड़ रहे थे तो बेन वहां पर होल्ड बैक कर रहा था, यानी कि अपनी पूरी ताकत के साथ रेक्स से फाइट नहीं कर रहा था। और बाद में तो रेक्स ने मासूम लोगों की भी जान बचाई थी, तो वहां से भी बेन को पता चल गया कि रेक्स कोई बुरा बंदा नहीं है। तो इसीलिए रेक्स के खिलाफ किसी अल्टीमेट एलियन को यूज करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। वैसे आगे
जाकर इन दोनों की इस मूवी के मेन विलन से फाइट होती है, पर वहाँ पर इन दोनों ने आराम से सिचुएशन को संभाल लिया था, इसलिए अल्टीमेट एलियंस की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मूवी के क्लाइमैक्स में जब अल्फा ने बेन के अल्टीमेट्रिक्स को कॉपी किया था और अपने आप को हीट ब्लास्ट, फोर आर्म्स और ह्यूमंगसॉर जैसे एलियंस में ट्रांसफॉर्म किया, तो बेन ने वहाँ पर सोचा होगा कि इसने मेरे अल्टीमेट्रिक्स को कॉपी कर लिया और मुझे देखकर ट्रांसफॉर्म होना भी सीख लिया, तो अगर मैं इसके सामने अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होता हूँ तो ये भी अल्टीमेट अल्फा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और तब इसे डिफीट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये वाली थ्योरी मुझे सबसे ज्यादा बेहतर लगी, लेकिन अभी भी एक थ्योरी बाकी है जो कि स्टोरी से रिलेटेड नहीं है लेकिन मूवी के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो मेरी इस थ्योरी के हिसाब से अल्टीमेट एलियंस को ना दिखाने का रीजन हो सकता है कि इस मूवी के लिए उनके कैरेक्टर डिजाइन ही टाइम पे रेडी ना हो पाए हो, और क्योंकि कैरेक्टर डिजाइन ही रेडी नहीं हो पाए तो पूरे के पूरे अल्टीमेट एलियंस को ही मूवी से हटा दिया गया और नॉर्मल एलियंस के स्क्रीन टाइम को बढ़ा दिया गया। और बाकी तो ये चारों सिर्फ मेरी थ्योरीज थी। आपको इन चारों में से कौन सी थ्योरी सबसे बेस्ट लगी ये मुझे कमेंट्स में बताना, या फिर आपके पास कोई और अच्छी सी थ्योरी है तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुमने अब तक बेन 10 और जनरेटर एक्स की इस वाली क्रॉसओवर मूवी को नहीं देखा है या फिर इसकी एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हो वो भी हिंदी में, तो मैंने इस पे पहले से ही एक वीडियो बना रखा है जिसको लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके तुम देख सकते हो।